हेलो एंड वेलकम टू क्लासिक क्राफ्ट फूड्स। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट आइसक्रीम। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम। मैंने ट्रोपोलाइट ब्रांड का व्हिपिंग क्रीम लिया है। 1/2 कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है, 1/4 कप मिल्क, 100 ग्राम्स डार्क चॉकलेट, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, कुछ चॉकलेट चिप्स मैंने डेकोरेशन के लिए लिए हैं और 2 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है। सबसे पहले हम चॉकलेट को पीसेस में कट कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप मिल्क और इसे 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे स्लो फ्लेम पर गैस के ऊपर कर सकते हैं। आप पहले मिल्क को बॉईल कर लें, फिर गैस स्विच ऑफ करें और ग्रेटेड चॉकलेट उसमें ऐड कर दें तो चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। अब हम 1/2 कप कंडेंस मिल्क को 2 टेबलस्पून कोको पाउडर में मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से स्टर करेंगे। कोको पाउडर और कंडेंस मिल्क अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब हम एक चिल्ड वेसल लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप फ्रेश क्रीम। ये व्हिपिंग क्रीम जो हमने लिया है ट्रोपोलाइट का, ये हम इसमें लेंगे। इसको अब हम बीट करेंगे। हमें इसे सॉफ्ट पिक्स आने तक का बीट कर लेना है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क और कोको पाउडर का मिक्सचर ऐड करेंगे। अब हम इसको विस्क कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चॉकलेट वाला मिक्सचर। ये मिक्सचर भी रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। अब मैं इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करें, वरना इसको स्किप कर सकते हैं। हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में डाल देंगे। मिक्सचर को हमने एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे और इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसको अब हम नीट कर लेंगे ऊपर से। अब ऊपर से भी हम इस पर थोड़े से चॉकलेट चिप्स स्प्रिंकल करेंगे और इसको कवर करके 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दें। चॉकलेट आइसक्रीम हमारी रेडी है। अब हम इसे चॉकलेट सॉस से गार्निश करेंगे और ऊपर से चॉकलेट चिप्स भी हम थोड़े स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।